चलिए भाई अगला रूम दिखाते हैं आपको। क्या बात है, क्या बात है, ये तो और भी बेहतरीन लग रहा है भाई। क्या लाइटिंग की हुई है ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बढ़िया रूम भी दिखाने वाला हूँ, धर्मशाला भी दिखाने वाला हूँ और फ्री रूम भी दिखाने वाला हूँ। मतलब निःशुल्क व्यवस्था जहाँ पे आप निःशुल्क खा सकते हैं, फ्री में रहो, फ्री में खाओ। और साथ ही में धर्मशाला भी दिखाऊंगा जिनका थोड़ा बहुत आपको पे करना होता है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। साथ ही में बढ़िया होटल भी दिखाऊंगा एसी वाले। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा पर। फिलहाल मैं हूँ बरसाना में, श्री राधा रानी जी की नगरी में। वैसे तो सब कुछ ही राधा रानी का है, लेकिन फिलहाल जो उनका स्थान है वहां हम आए हुए बरसाना धाम में। तो भाई यहाँ आके काफी लोग भाई परेशान होते हैं, अच्छा रूम वगैरह कहाँ मिलेगा, धर्मशाला के मतलब कहाँ मिलेगी। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा गेट बंद कर लूँ मैं एक बार। क्या बात है, शांति हो गई। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो। अच्छा होटल, एसी वाला होटल रूम वगैरह आपको कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, सब मैं बताने वाला हूँ। धर्मशाला वगैरह लेना चाहते हो, खाने पीने का हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा है, या पहली बार आ रहे हो या फिर पहले भी आए हो बट रूम वगैरह का नहीं पता, तो ये सारी जानकारी सुनो मैं देने वाला। रूम, खाना पीना, फ्री रूम वगैरह, एसी रूम वगैरह, नॉन एसी रूम वगैरह, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम ऐसी धार्मिक वीडियोस भी बनाते रहते हैं और आपको पूरे भारत भ्रमण भी कराते रहते हैं। चलिए इस वीडियो में रूम को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाली चौक पे खड़ा हूँ फिलहाल। यहाँ पे राधा रानी की वाली प्रतिमा आप देख सकते हैं, इस चौक पर हूँ मैं। और वहाँ सामने आप देखोगे तो वो वाला गेट है जहाँ लिखा रहता है मारो प्यारो बरसानो, वहाँ पे वो गेट। और यहाँ फिलहाल भी ये नया एक जो है होटल यहाँ पे ओपन हुआ है, रूम्स वगैरह यहाँ पे दिखाते हैं चलिए चल के। इसके नाम की अगर बात करें आप देख सकते हैं ये एसी रूम्स लाडली रसोई। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है प्लस यहाँ पे रूम्स भी आपको मिल जाते हैं, एसी वाले रूम होते हैं यहाँ पे सारे। तो चलिए चल के मैं आपको यहाँ के रूम वगैरह दिखाता हूँ, फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब बताऊँगा, रेंट क्या है यहाँ का वो भी बताऊँगा, सारी फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। चलिए ये यहाँ का जो है ये रेस्टोरेंट वाला एरिया है, पहले रूम दिखाता हूँ चल के फिर ये एरिया दिखाऊंगा। आइए ऊपर चलते हैं, रूम्स वगैरह दिखाते हैं आके। तो भाई ऊपर भी हम आ चुके हैं, चलिए देखते हैं कैसे रूम यहाँ के हैं। रूम तो बढ़िया लग रहा है भाई, ये देखो भाई, ये आप देख सकते हैं डबल बेड का रूम, बाकी यहाँ भी एक डबल बेड का रूम, बहुत बढ़िया है भाई। चलिए देखते क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ से एंट्री करेंगे भाई ये गेट से, और रूम नंबर 104 है भाई। कई लोग वीडियो में पूछते हैं कि जो आपने वीडियो में दिखाया कौन सा रूम नंबर था, यहाँ से आपका गेट बंद हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है, इसको निकालेंगे तो भाई लाइट वाइट सब बंद हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको डबल बेड पे ये चद्दर वगैरह मिल जाती है, गद्दे बढ़िया मिल जाते हैं, बढ़िया है, काफ़ी मुलायम गद्दे हैं भाई, देखो सोओगे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी दो पिलो हैं यहाँ पर, चद्दर वगैरह हैं, यहाँ पर भी आपको स्विच मिल जाता है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह। बाकी नीचे से कुछ ऑर्डर करना हो रेस्टोरेंट से वो भी कर सकते हो, देखो ये यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, मेन्यू कार्ड वगैरह नंबर वगैरह सब लिखा है इस पर, कॉल करो ऑर्डर कर सकते हो। बाकी लैंप है रात में, जैसे मान लो आपको लाइट वगैरह बंद करके सोना है, छोटा सा एक लैंप जला लो। यहाँ एक और डबल बेड मिल जाता है, फैमिलीज आ रही हैं जैसे कि उनके लिए। फिर से आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, सामने एक यहाँ मिरर है, ये देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो मैं वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल पर आए पहली बार। तो यहाँ कुछ अलमारी टाइप मिल जाता है, अपने जूते चप्पल कपड़े वपड़े जो भी रखना हो, देखो भाई ये देखो। अब बात कर लेते हैं वॉशरूम कैसा है, एसी का है, ये रहा ऊपर एसी। बाकी अभी मुझे लग रहा है टीवी वगैरह कुछ लगने वाला है क्योंकि न्यूली ही ओपन हुआ है ये, चलिए दिखाते हैं। ये देखो भाई यहाँ इंग्लिश टॉयलेट आपको मिल जाता है, शावर मिल जाता है आपको यहाँ पर, बाल्टी वगैरह टॉवल वगैरह ये सब कुछ है, तो ये कुछ फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आप सोच रहे होगे भाई रूम तो बहुत बढ़िया दिखा दिया आपने, अब इसका रेंट बता दो। बताऊंगा रेंट, पहले और एक आध रूम दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया भाई, चार पांच लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रही है उनके हिसाब से रूम हो गया, कपल वगैरह आ रहे हैं, न्यूली मैरिड है, उन्होंने मन में सोचा हुआ था कि राधा रानी के दर्शन करेंगे शादी के बाद, ऐसे कोई कपल आ रहे हैं, चलिए उनके लिए रूम दिखा। ये भाई अगला रूम दिखाते हैं आपको। क्या बात है, क्या बात है, ये तो और भी बेहतरीन लग रहा है भाई। क्या लाइटिंग की हुई है ऊपर, ये देखो भाई ये कपल वगैरह जैसे आ रहे हैं, मैं कह रहा था ना कपल के लिए बताता हूँ कोई रूम, तो कपल वगैरह जैसे आ रहे हैं, ओहो फ्रेग्रेंट यहाँ पे इन्होंने छिड़का हुआ है, कुछ लगाया हुआ है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये देखो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनू वगैरह रखा है, चार्जिंग पॉइंट एक यहाँ मिल जाता है, एक वहाँ मिल जाता है, दो लैंप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप आराम से अपना सो, बढ़िया से गद्दे वद्दे मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। और ये देख सकते हो यहाँ पर मिरर वगैरह लगा, अपना रेडी हो यहाँ पे, बाकी यहाँ भी टीवी वगैरह भी है नहीं, लगेगा सब। और यहाँ पे भी इंग्लिश टॉयलेट, एसी ये रहा, ऊपर फैन ये रहा, और लाइटिंग कितनी मस्त करी हो, एक नंबर वाली भाई साहब, एक नंबर सच में। और इंग्लिश टॉयलेट मिल जाता है और शावर मिल जाता है, बाकी टॉवल वगैरह सोप वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ये देखो कितना बेहतरीन रूम है भाई, बाकी पीछे कपड़े वगैरह टांगने हो उसके लिए है। दोस्तों अभी हमको इस होटल की बहुत ही बेस्ट एक चीज लगी है भाई,
ये होटल की छत से भाई साहब मंदिर के राधा रानी जी के महल के दर्शन होने वाले हैं। चलिए चल के राधा रानी जी के महल के दर्शन करते हैं इस होटल की छत से। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ भाई, रील्स वगैरह देखी थी मैंने आज तक ऐसी, अब चल के हम खुद भी देखेंगे। ये देखो भाई हम आ चुके छत पर। अरे वाह क्या बात है, कितना पास लग रहा है भाई साहब, यहाँ से सब दिखाई दे रहा पूरा रास्ता। वो भीड़ तो बहुत हो रही है यार, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इस साइड चलते हैं भाई, एक बार इस साइड से देखते कैसा दिख रहा है। भजन वगैरह चल रहे हैं, काफ़ी आनंद आ रहा है भाई। ये देखो भाई इस वाले होटल पे हम फिलहाल इस चौक से ही निकलते हैं, मतलब मेन रास्ता जो है यही वाला है, तो यहाँ से आप निकलो और अच्छा लगे ये होटल आपको, मैं अभी रेंट वगैरह सब बताऊँगा, अच्छा लगे तो भाई आ सकते हो आप यहाँ पर। तो भाई इस होटल की छत से ही हम राधा रानी के महल के दर्शन करके आ चुके हैं। शोर काफ़ी हो रहा है क्योंकि पब्लिक काफ़ी आ रही दर्शन करने के लिए। चलिए चल के अब यहाँ का रेंट वगैरह बताते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देते हैं ताकि अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप यहाँ आ सको। दोस्तों क्या बोलूँ यार, भाई साहब हिम्मत करके इस होटल की बिल्कुल मेन वाली छत पे आ गए और अब क्या देख रहे हैं ना वो सामने आप खुद ही देख लो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, बिल्कुल सामने राधा रानी जी का महल। तो एक और चीज़ नोट करी, जहाँ पे हम फिलहाल खड़े हैं ना भाई सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये वाली, देखो भाई सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सारे घर मकान जो है सब छोटे हैं यहाँ से, तो सबसे बेस्ट वाले दर्शन राधा रानी करवा रही हैं इस बार, देख सकते हो आप ये देखो। तो अब नीचे चल रहे हैं, आपको रूम का रेंट बताएंगे, बहुत आनंद आया भाई ऊपर। चलिए रेंट बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ के काउंटर पे आ चुके हैं, ये आप यहाँ का कार्ड देख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, यहाँ पे लोकेशन कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बाकी इन्हीं से भाई यहाँ पर ये पूछ लेते हैं एक बार कि यहाँ का रेंट वगैरह क्या होने वाला है, कुछ बार्गेनिंग वगैरह भी हो जाएगा, सब कुछ पूछ लेते हैं। बताओ एक बार आपका नाम क्या है, रेंट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी बताना हो आपको। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है और नंदगांव से हूँ, और रेंट है डबल बेड का 1200 रुपये एसी, और डबल बेड दो है उनका 1500 रुपये। अच्छा कुछ बार्गेन हो जाएगा जैसे कोई वीडियो देख के आता है? हाँ कुछ परसेंट छूट दे दें। दे दोगे छूट है? हाँ, चलो तो भाई कॉल कर लेना, यही कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला? हाँ, यही कॉन्टैक्ट। तो भाई कॉल कर लेना, छूट मिल जाएगी आपको। बाकी नॉर्मल पब्लिक के लिए 1200 है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा वीडियो देख के आ रहे हो तो कॉल कर लेने। बता दें तरुण कृष्णा की वीडियो देखी थी। बाकी भाई ये आप देख रहे हो यहाँ का जो है होटल वगैरह, चलिए यहाँ का मेन्यू वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ सब। ये आप देख सकते हैं यहाँ का मेन्यू क्या है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना भाई। ये शाही पनीर हमने ऑर्डर करा, बाकी 10 रुपये की एक रोटी है वो ऑर्डर करा है। तो ये आ गया हमारा खाना यहाँ पर, ये हमने रोटी मंगाई थी, बाकी ये शाही पनीर, चलिए खाते हैं। तो दोस्तों होटल वगैरह से हम होकर आ चुके हैं, अब चलते हैं धर्मशाला का, आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ के धर्मशाला वगैरह देखते हैं लेते हैं उसका क्या रेंट होता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं वो, और उसी के अलावा फ्री स्टे का ऑप्शन भी आपको बताऊंगा, फ्री में खाना खा सकते हैं ये बताऊंगा। आगे भाई लोग रील्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं भाई। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम मारो प्यारा बरसानो, यहाँ इस साइड जो है लगभग 100 मीटर से भी कम होगा बस स्टैंड है बरसाना का, और उसी साइड में जो है आपको धर्मशाला वगैरह दिख जाती हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड लगा है ना, इसके जस्ट हमें थोड़ा सा ही पीछे जाना है और वहाँ धर्मशाला आपको मिलेगी एक। तो ये बोर्ड लगा है नंदगांव कोसी कला दिल्ली ये सब लिखा हुआ है साइन बोर्ड, और यहाँ ये आप देख सकते हैं धर्मशाला है यहाँ पर श्री हनुमान प्रसाद पौहार अतिथि गृह। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी धर्मशाला है, क्या इसका रेंट वगैरह होता है। तो इस वाली धर्मशाला से हम होकर आ चुके हैं, इसका कार्ड हमने ले लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे भी लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अभी हम अंदर से बात करके आए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई होली पर और राधाष्टमी पर इनके ट्रस्ट वाले ही लोग आते हैं, बाकी नॉर्मल डेज में पब्लिक आ सकती है बट होली और राधाष्टमी पर इनके ट्रस्ट वाले लोग आते हैं, नॉर्मल पब्लिक को एंट्री नहीं मिलेगी, इनके ट्रस्ट वाले लोग ही केवल आ सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल डेज में आप आ रहे हो राधाष्टमी और होली के अलावा तो क्या इनके रेट वगैरह रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। राहुल भाई एक बार बताओगे मतलब क्या क्या रेट बताए थे एक बार? भाई बताते जो एसी रूम है ना वो, हाँ। अगर 3 बेड के रूम वाला एसी रूम वाला वो आपको पड़ेगा 950 रुपये का, 3 बंदों के लिए 950 का एसी वाला रूम पड़ेगा, और नॉन एसी रूम पड़ेगा आपको 700 का, 700 का 3 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए। और मान लो ये अच्छा नॉन एसी 700 का, और मान लो 4-5 बंदे, फिर 4-5 बंदे अगर एसी वाला रूम लेना चाहते हैं तो 1100 रुपये का पड़ेगा, और अगर नॉन एसी लेना चाहते हैं तो 800 रुपये का पड़ेगा 4 लोग हैं तो। अच्छा अच्छा मतलब होटल जैसा ही है लगभग, लेकिन थोड़ा कम है। धर्मशाला तो कहने को ही हो गई आज के टाइम में, होटल और धर्मशाला के प्राइस सेम ही होते हैं। हाँ लगभग थोड़ा सा फर्क है बस। बाकी भाई कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी है कॉन्टैक्ट नंबर आप देख ही रहे हो, राधाष्टमी और होली के अलावा आप कॉल करके नॉर्मली आ सकते हो। दोस्तों सामने आप एक और धर्मशाला देख रहे हो, बरेली वाली धर्मशाला, देखो जूम करके दिखाता हूँ। तो इसका हम पता करके आए थे 3 बंदों के लिए, क्योंकि हम 3 लोग हैं तो ये कह रहे हैं 600 रुपये होंगे 3 बंदों के लिए, और जैसे हम अभी टाइम की बात करें तो अभी हो रहा है 4 बजने वाले हैं, वो कह रहे हैं सुबह 9 बजे आपको चेकआउट करना होगा,
और अगर एसी रूम की बात करें तो एसी रूम 1500 रुपये देंगे 3 बंदों के, और सुबह 9 बजे चेकआउट 600 और 1500 ये रहेगा भाई 3 बंदों का। भाई कम लोग हैं तो भाई 500 रुपये तक हो जाएगा, और ज़्यादा लोग हैं तो भाई 800-900 और बढ़ जाएंगे, और ज़्यादा लोग हैं अगर, और बार्गेनिंग थोड़ा बहुत हो ही जाएगा 150 रुपये का। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो इस वाली धर्मशाला में भी। ये भी देखो यहीं पे ये रहा बोर्ड ये, और यहाँ पे ये रही। बाकी चलिए और देखते हैं और कोई धर्मशाला, रेट हम पता करके आए हैं, बाकी वीडियो वगैरह की हमने बात करी नहीं थी खड़ूस अंकल। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये बरसाना का बस स्टैंड है, ये एरिया आप देख रहे हो। बाकी यहाँ कई भोजनालय वगैरह भी बने हैं खाने पीने के लिए। बस स्टैंड से मान लो आप मथुरा वृंदावन कहीं से आ रहे हो, गोवर्धन से आ रहे हो, तो बस आपको यहाँ उतारेगी, और यहाँ पे कई भोजनालय वगैरह रेडी वगैरह लगी रहती है जहाँ आप खा पी सकते हैं। 150 रुपये में आपको यहाँ पे जो है थाली मिल जाती है भोजन की। और यहाँ सामने आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक जो है ये बोर्ड लगा हुआ है भैया जी गेस्ट हाउस। तो चलिए इनसे कॉल करके पूछ लेते हैं या फिर जाकर ही पूछ लेते हैं कि भाई क्या किराया इनके होटल रूम का होगा। तो दोस्तों इस वाले रूम का भी हमने रेट पता कर लिया है, ये कह रहे हैं कि भाई 2 बंदों के लिए यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपये नॉन एसी और 1200 रुपये एसी का हो जाएगा। बाकी बार्गेन करोगे और कम हो जाएगा। हम अंदर जाके होटल में पूछ कर आए तो 800 बताया और एसी वगैरह का 1200, वही कह रहे हैं 800 से 1200 बोल रहे हैं, और भीड़ भाड़ हो जाएगी ना अभी राधा स्ट्रीम पर तो कह रहे हैं 2500 भी ले लेते हैं भाई। तो डिपेंड करता भाई, देखो 800, 700, 600 भीड़ के हिसाब से लेते हैं। बाकी चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह जहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाला है, अब कैसी व्यवस्था होगी वो चल के दिखाता हूँ। दोस्तों सामने वही गेट है मारो प्यारो बरसाने वालों, और यालों को चल रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं राधाष्टमी के लिए यहाँ पे मेरा सजावट भी की गई है। अब मैं आपको वही लेके चल रहा हूँ जहाँ पे फ्री धर्मशाला मिलने वाली है, और क्या कहते हैं यहाँ पे आपको फ्री भोजन भी मिलता है। चलिए चलते हैं। दोस्तों हमने कई सारे होटल और धर्मशाला पे रेट लिए और हर जगह ही यही रेट चल रहे हैं 1200, 1500, 2000, और सीजन में यही रहता है मतलब राधाष्टमी या होली पर महंगे ही मिलेंगे आपको, और वो लोग कम भी नहीं करते, इवन रूम मतलब खाली भी नहीं मिलते, इतनी भीड़ होती है। हट जाओ भाई साइड हट जाओ, तो इतनी भीड़ रहती है रूम खाली भी नहीं मिलते। तो बाकी आप बिना सीजन के आओगे तो आपको मतलब 1000 रुपये बोलेंगे तो 800-700 कर ही लेंगे वो, ठीक है बिना सीजन में आओगे आप, मतलब जब पब्लिक ज़्यादा नहीं आ रही। तो चलिए अभी हम उस जगह लेके चल रहे हैं जहाँ पे आपको फ्री रहने की व्यवस्था मिल सकती है, और देखते हैं वहाँ इस समय भीड़ भाड़ है नहीं है, वैसे राधाष्टमी भी आ रही है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, बगल में आप नाला देख सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था राधा रानी जी के जो वो मेन द्वार है जाने का, वहाँ से हम अंदर आए थे, नाला है यहाँ पर, और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे व्यवस्था है, आप फ्री में यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं। दिखाता हूँ एक बार, ये देखो लंगर प्रसाद भंडारा एवं रुकने की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क, और ये देख सकते हैं श्री राधा रसोई बरसाना धाम। चलिए दिखाते हैं, ये देख सकते हो भाई यहाँ पर ये व्यवस्था है पूरी, पंखा लगा हुआ है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें, पीने का पानी आपको मिल जाता, शौचालय आपको यहाँ पर मिल जाता, पंखे लगे हुए हैं, अपना भाई चद्दर वगैरह साथ में लेकर आराम से बैठो यहाँ पे। भाई एक कमी है यहाँ पे, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, नहीं चार्जिंग पॉइंट आई थिंक हैगा, नहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ी सी कमी है, वैसे तो निःशुल्क है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो ऊपर फैन लगा हुआ है, आराम से अपना रेस्ट करो, इतना महंगा किराया देने से बढ़िया भाई चप्पल जूते बाहर उतारो यहाँ पर, और देखो ये लोग कर भी रहे हैं यहाँ पर रेस्ट, तो अपना चद्दर वगैरह डालो आराम से रेस्ट करो। और यहाँ पे जो है खाने का भी टाइम होता है सुबह को 7-8 बजे के आसपास मतलब भोजन मिलता है यहाँ पे, फिर दोपहर में मिलता है 1-2 बजे के आसपास, शाम को 5-6 बजे के आसपास भोजन मिलता है, मुफ्त होता है और डेली का है, डेली मिलता है, ये देख सकते हैं आप निःशुल्क है यहाँ पर, ये महंगा किराया देने से अच्छा है यहाँ आप रह सकते हो अगर मतलब आप थोड़ा बजट में दर्शन करने आए हो। देखो कितने लोग आए हैं यहाँ पे, देखो सब यहाँ पे आराम करेंगे बैठ के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं भैया यहीं पर ही रहते हैं, ये बताओ खाने का मतलब भोजन का क्या समय होता है यहाँ? भोजन का समय होता है 5 बजे से, मतलब शाम को 5 बजे। सुबह नहीं होता? सुबह भी होता है। क्या क्या टाइम होता है? तीनों टाइम चलता है। अच्छा सुबह और दोपहर और शाम बताया, तीनों टाइम क्या क्या होता है? तीनों टाइम सुबह जैसे चावल दाल और सब्जी ये है, और दोपहर को रोटी सब्जी और ही। अच्छा और शाम को भी चावल दाल और सब्जी है। अच्छा तो वही इन्होंने भोजन के बारे में बता दिया है, तीनों टाइम भोजन चलता है यहाँ पर, रुकने की भी निःशुल्क व्यवस्था है। अच्छा रात में भी रुक सकते हैं यहाँ पर? हाँ। देख सकते हैं रात में भी यहाँ पे रुक सकते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए। अच्छा अच्छा तो वो आपको दिखाना होता है कि जमा का होता है क्या? नहीं, उसका नंबर एंट्री किया जाता है। अच्छा तो भाई यहाँ पे नंबर एंट्री की जाती है आधार कार्ड की। अच्छा अंदर भी है, काफी बड़ा है भाई साहब ये देखो। तो भाई मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, मुझे लगा था काफी छोटा है, बट भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, और भाई बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की हुई है यहाँ, तो दिखाता हूँ सब। देखो भाई सामने यहाँ पे भोजन प्रसाद आप पा सकते हैं बैठ कर, ये देखो भाई टाइम होता था भोजन का, यहाँ बैठ के अपना खाओ पियो आराम से, और कितने बढ़िया तरीके से व्यवस्था की हुई है, सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क वहाँ खाना वगैरह तैयार किया जा रहा है। रात में आपको यहाँ पर जो है बेड वगैरह दे दिए जाते हैं, मतलब गद्दे वगैरह आप लो अपना और आराम करो, चद्दर गद्दे वगैरह सब मिल जाता है आपको रात में यहाँ पर।
आधार कार्ड दिखाना होता है और सब कुछ निःशुल्क। बाकी देखो चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे अंदर हैगी, ये देखो थ्री प्लग आप लेकर आ सकते हैं ताकि दो तीन लोग मतलब चार्जिंग में लगा सकें। ये देखो यहाँ पर ये रहा चार्जिंग पॉइंट, नहीं ये वाला तो नहीं है, बाकी एक चार्जिंग पॉइंट ये रहा, वहाँ भी लगा हुआ है, मतलब मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट एक आदमी। आज भाई यहाँ पीछे की साइड एक पार्क वाला एरिया भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अपना, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बेंच वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ भी आप आगे बैठ सकते हो। ये देखो देखो लोगों ने गंदगी वगैरह मचाई है, बोतल पानी की यहीं फेंक दी पीकर, काफ़ी सारे हैं मतलब बेंच काफ़ी सारे। ये देखो सबसे मेन बात अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। और ये देखो पंखा, हवा लग रही है नहीं लग रही, बहुत प्यारी हवा लग रही है, चलो बढ़िया सो जाओ उनकी तरह। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया होटल रूम वगैरह के बारे में, धर्मशाला के बारे में बताया मैंने आपको, और क्या कहते हैं होटल के बारे में बताया, होटल में एसी नॉन एसी रूम का क्या किराया रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया क्या कहते हैं फ्री स्टे के बारे में बता दिया। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर आते पहली बार ऐसे रोड क्लियर करते हैं सब्सक्राइब, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राधे।